हेलो, मैं हूँ अंजू मारा, मेडिकल फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ। और अभी हमारे बिहार से करीब 1,000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं वंदे भारत मिशन के तहत। सिर्फ और सिर्फ बिहार की एक फ़्लाइट अभी तक आई है। इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट से अपील है हमें स्टूडेंट्स की कि वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ़्लाइट आ रही है उसमें बिहार की फ़्लाइट इंक्रीज़ की जाए ताकि हम लोग यहाँ से निकल पाए। और यहाँ पर वैकेशन की छुट्टी हो चुकी है लगभग 3 से 4 महीने की, और ऑलरेडी यहाँ हम लोग मार्च से लॉकडाउन में कम्प्लीट लॉक हैं। मैं एजाज अहमद बिहार के सीतामढ़ी से हूँ। मैं किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ अप्रोक्स बिहार के 1,000 बच्चे फंसे हैं जिन्हें घर जाना है। वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट चलाई गई थी उसमें सिर्फ एक फ्लाइट दी गई थी बिहार के लिए, जिससे 200 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और ऑलमोस्ट 1,000 स्टूडेंट यहाँ फंसे हैं जिन्हें घर जाना है। और बिहार के लिए कोई फ्लाइट है नहीं और हमारी छुट्टी हो चुकी है, तो हम बिहार सरकार से दरख्वास्त करते हैं और भारत सरकार से कि हम लोगों की हेल्प करें जितनी जल्द हो सके। और यहाँ जो प्राइवेट कुछ फ्लाइटें चल रही हैं जिनका प्राइस 3 गुना है, तो जो गवर्नमेंट दे रही है उससे 3 गुना फ्लाइट है उसकी प्राइस है, तो बच्चे दे नहीं पा रहे हैं और हम लोग यहाँ बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें घर पहुँचाएं। मैं शुभम कुमार श्रीवास्तव बिश्केक किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पर हम लोग करीब 1,000 छात्र फंसे हुए हैं। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और ना ही कोई फ्लाइट बिहार के लिए है। कुछ प्राइवेट फ्लाइट्स चल रही हैं जिनका किराया अफोर्ड करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें सरकार से अनुरोध है, गुजारिश है, जल्द से जल्द हमें सहायता प्रदान करें। मैं कौसर इमाम MBBS की पढ़ाई करता हूँ बिश्केक किर्गिस्तान में। यहाँ पे हम लोग लगभग 1,000 बच्चे फंसे हुए हैं। हमारी बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद हमें नहीं मिली है और ना ही अभी तक कोई बिहार के लिए फ़्लाइट है। प्राइवेट फ़्लाइट चल रही हैं जिनके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है जितनी जल्द हो सके हमें सहायता किया जाए। Hi, I am Andri Babsar, a resident of Kishanganj, Bihar. I am pursuing my MBBS in Kyrgyzstan, and here the situation is getting worse day by day. Thousands of students are stuck here due to this COVID and the pandemic situation, and there are a lot of flights which are going on in different states, but in Bihar there is none. So we request the central government and the state government of Bihar to help us in this crisis situation and arrange maximum number of flights to Bihar. Thank you.